अगर आप अफोर्ड कर सकें तो, लेकिन मेहनत जरूर करिए। मेहनत जब करेंगे तो फिर अपना शरीर भी पुष्ट होता है और आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भी पुष्ट करते हैं। ये आप जरूर अपना अपनी परंपराओं को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपनी कला को बचाइए, अपनी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, पौराणिकता, उनको बचाइए। बाजार जाइए, बाजार जाना कम हो रहा है, क्योंकि जब से ये मोबाइल आए हैं, हम भाजी वाले को ऑर्डर करता है, इधर ही लेके आता है, एक भी ऑर्डर करिएगा ना आधा किलो पर, और यहाँ पे आलू को बटाटा बोलते हैं, बटाटा मंगाते हैं ना, आते भाई क्यों बटाटा मंगाते हो, टाटा बिड़ला तो अपना अपनी जगह काम कर रहे हैं, आपको ब टाटा कर दिया। आप कृपया मेहनत करिए, शाम को जाइए, थोड़ा वॉक होगी, सब्जी वाले से थोड़ा मित्रतावत, जिस तरह से समाज में, संसार में जिस तरह से बातें होती हैं, और भैया कैसे हो, बहुत दिनों के बाद दिखे, और सब ठीक है ना, ठीक वाह, तो ये सब जब आप पूछेंगे तो सुनकर थोड़ा समाजी लगता है, जैसे दो जिंदा इंसान बात कर रहे हो। धीरे धीरे हमारा जीवन शैली बदल रही है और हम भूत हो रहे हैं, भूत, हमें वर्तमान होना है, भूत मत होइए, वर्तमान होइए, जिंदा रहिए। तो इस तरह की जिंदगी के साथ मुझे आमंत्रण मिला यहाँ पे साहब के द्वारा, मैं इनको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अभियान नाम इतना प्यारा है, इसको अनवरत आप रखिएगा साहब, अविरल रखिएगा। जितने कलाकार लोग हैं उनको धन्यवाद है, और बहुत सब बाहर से आए हैं, हाँ चलिए बहुत अच्छे, थोड़ा मुंबई भी घूमना है ना साहब, जूहू चौपाटी और ये सब बहुत अच्छा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको, अभियान इसी तरह से रातों दिन, दिनों रात प्रगति की ओर बढ़े। और इनका स्वभाव, मैं अभी इनसे एक ही बार मिला था जी, तो अमरजीत मिश्र जैसे मैंने नाम सुना, तो मैं क्या हूँ, हम लोग भी गंगा तट के ही हैं, मेरठ में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली में हम पले बड़े, सारा बचपन पढ़ाई लिखाई सब हुआ, लेकिन मेरी छोटी बहन, माता पिता तो चले गए, छोटी बहन की शादी जो हुई है बनारस में हुई है, काशी विद्यापीठ में ही वो कार्यरत भी हैं, जो परिवार जिनमें वो है, और जो हमारे बहनों ही बने, मान लीजिए हैं तो छोटे लेकिन रिश्ता तो वही आएगा, वो दिल्ली में ही कार्यरत हैं, लेकिन बनारस का एकदम प्यारा परिवार, मिश्र परिवार, ब्राह्मण है, हम लोग जो हैं वो थोड़ा कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और लेकिन अब तो बाद में सब भारत ही एक होकर दिया मेरे दादा ने, तो आप सबसे मिलकर बहुत प्यारा लगा। मैंने अभी स्वच्छ भारत के लिए और भी कुछ नए ये बनाए हैं एड्स, और अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है जी, उनके साथ ये कल से ही रिवील हुए हैं, तो अभी आप ज़रा देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम डालेंगे, क्योंकि जानना ही है त्राणना, इस पृथ्वी पर जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनको यदि आप अवेयर हो जाएं, यदि आप जान जाएं, तो ही त्राणना का प्रारंभ होता है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आज भी हम थोड़ी थोड़ी स्वच्छता की ओर, जागृति तो आई है, क्यों आई है, क्यों, क्योंकि किसी एक धरती पुत्र ने, सच्चे लाल ने इस धरती के अलख जगाई है। वो अलख कैसे जगी, वो बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से जन आंदोलन बना। मैं आज भी निवेदन करता हूं, माना कि हमें परिस्थितियों की जकड़न है, छोटे छोटे घर भी होते हैं, हमारे पास धन होता नहीं, पर धन की हर जगह जरूरत नहीं, कहीं कहीं मन की जरूरत होती है, जहां धन ना हो वहां मन जोड़ दीजिए, और जहां पैसे ना हो वहां श्रम जोड़ दीजिए। मैं उस वक्त
भी छोटे छोटे कामों में लगा रहता था, जब मेरे मुझ पे डाउट करते थे तब, नहीं ये कहाँ कुछ कर पाएंगे, मैं तब भी कुछ ना कुछ कर डालता था। शायद वो पुराने पुण्यों का कुछ ऐसा प्रारब्ध हुआ कि अब जो है वो मल्टीप्लाई हो होके ऐसी खिड़कियां खुली हैं कि बस जैसे खिड़की खुलती है तो बाबा कोई ना कोई मिरेकल की पुड़िया फेंकते हैं, ऐसा होता है। खिड़की छोटी सी खुलती है, अचानक मेरा दाता एक और, ये ले बेटे ये तेरा गिफ्ट है ये रख। तो बाद में हमें समझ आया बाबा बर्थडे तो पिछले महीने था, वो तो चला गया। हाँ हाँ वो तो सालों साल गिफ्ट तो मिलता रहेगा ना, तूने जोड़ रखा है। एक साहब छोटी सी, तो दो मिनट की और कहानी बताकर फिर मैं नमस्ते करूंगा। एक दरगाह मस्जिद या टेंपल के किनारे एक बच्चा रहता था, तो वो बच्चा बड़ा प्यारा था और वहाँ के जो मंदिर के पुजारी उनसे वो पूछता था, पूछ लो भगवान से। तो उन्होंने अपने ध्यान में उत्तर पाया। अगले दिन बच्चा फिर से आया, पूछा पंडित जी आपने, बाबा आपने पूछा मेरे लिए क्या मेरा कोटा है पूरी जिंदगी का। हाँ बेटे आपके कोटे में बताया भगवान ने 675 रुपए। अच्छा 675। तो बच्चा बड़ा शार्प था, उसने बोला तो आप ये कहिए ना भगवान को कि मुझे इकट्ठा दे दे, मुझे किश्तों में नहीं चाहिए। तो अगले दिन उन्होंने फिर से साधना में अपने जब बैठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना की, तो उनकी वो मंजूरी हो गई कि ये बच्चा इकट्ठे ही मांग रहा है भगवान। तो जैसे बच्चा सो के उठता है सुबह, तो उसके सर के नीचे 675 रुपया रखे हुए मिले। क्या पागल हो गया देख के, यार मेरा कोटा मुझे मिल गया है। इधर उधर सब खर्चे किए, खर्चे करने के बाद 20-25 रुपए में उसका पूरा दिन संवर गया। अब अचानक उसने देखा यार मेरी तरह तो बहुत बच्चे भूखे हैं, तो मैंने तो खा लिया, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, अब मैं दूसरों को भी खिला देता हूँ। बाकी के उसने हाँ खिलाने शुरू किए। अब जैसे ही खिलाने शुरू किए तो बच्चों की लाइन ही लग गई खाने वालों की। कुल मिला के ये हुआ कि रात होते होते उसके 675 ठंडे हो गए और कुछ छक गए कुछ रह भी गए। लेकिन ये बंदा आश्वस्त हो गया कि भैया मेरा कोटा खत्म हो गया, मेरी टेंशन भी खत्म हो गई। चिंता तो हरिनाओ की और न चिंता दास, अब ये हो गया, अब चिंता खत्म है और चिंतन बचा है बस। अब ऐसे में क्या हुआ साहेब, अब अच्छे से ठाट लेके सो गए। फिर से बच्चे ने लंगर खोल रखा है, एक बच्चे ने भंडारा खोल रखा है भाई साहब। अब दे धड़ाधड़ रोज लोग वहीं दिख आ रहे हैं, वो गुरुद्वारा बना दिया उसने, लंगर खोला हुआ है, बस रोज वहां पे चलो। अब ये चर्चे होते होते पुजारी जी तक आया। पुजारी जी ने अपने ध्यान बोला भगवान भोले बच्चे को क्यों तंग किया हुआ आपने। भगवान ने बोला बावले तू बोल रहा है भोला, भोला नहीं हो चतुर है वो, उसके कोटे में 675 थे मैंने तो दे दिए, लेकिन वो बार बार मुझे लौटा रहा है। तो हम सबके कोटे में कुछ ना कुछ होता है, कहीं धन होता है कहीं मन होता है। यदि हम एक अपने पुण्य के लिए भी रोक लें, एक कोटा एक खजाना एक खाता एक बही खाता एक उसके लिए भी जोड़ दें नेकी के लिए भी, तो बस वो हमें देखिए फिर ईश्वर के यहाँ जो है अकाउंट कभी गड़बड़ होता नहीं है और नेटवर्क कभी गड़बड़ होता नहीं है, सर्वर कभी डाउन होता नहीं ईश्वर का। एक एक का ब्योरा एक एक का डेटा ऐसा है आहा, क्या बताएं। तो अब ये वाली धारा को आप आगे बढ़ाइए, भारत बदल रहा है। भारत का जो छोटा मोटा कुछ एक वो तो दाग लगा था, वो तलक भी जो 70 साल में ना मिटा वो भी मिटवा दिया। तो ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों का पुण्य होकर ही ये शक्ति बना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और ऐसा जिंदा इंसान प्रधानमंत्री बना है, ऐसा जागा हुआ इंसान बना है, ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री बना है और हम ही में से गए हैं। ऐसा नहीं कि अचानक भगवान ने वो आसमान से टपकाए हों, कुछ नहीं, ऐसे ही विशन ट्रेनिंग से ही आए हैं, अच्छी प्रशिक्षण से।
तो आप सबके लिए, आप क्योंकि अब बेचैन होकर जा भी रहे हैं बिना बाय बोले, तो मैं एक लाइन गा ही देता हूँ। इसका मुझे मीनिंग भी बाद में पता लगा कि ये मीनिंग क्या है जी। मुझे लगा कहीं फसल का कुछ चक्कर हो, काटे ना कटाई बोल रहे हैं, लेकिन बाद में बोला है कि जो लेखा होता है जीवन का वो कभी मिटता नहीं, ईश्वर के यहाँ का जो सर्वर है वो कभी डाउन होता नहीं, तो ये मीनिंग है। हम लोगों को सच्ची बात बताता हूँ, माना कि आप भी में से आया हूँ, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित चीजें हुई, हमको ये सब ऐसे अलाउड नहीं है, लेकिन हम तो इसी से पहचाने गए हैं और हम आपसे आपके हैं, तो हम आपके लिए क्यों ना गाएं, तो एक लाइन मैं जरूर गाऊंगा। मुंबई और उसके आसपास पिछले 20 दिनों से कजरी महोत्सव और स्त्री शक्ति सम्मान का ये आयोजन चल रहा था, आज इसका समारोप हुआ। नई पीढ़ी में लोक संस्कृति, लोक चेतना नई पीढ़ी में आए और वो संस्कारित हो, उनको गांव की महक का अंदाज़ा हो, वो कैसे हिंदुस्तान की जो प्राचीन संस्कृति है उससे उसका दर्शन कर सकें, इसके लिए पिछले 20 दिनों से मुंबई शहर और उसके आसपास कजरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। सावन में माताएं बहनें कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं, जो पूर्वांचल के लोग मुंबई शहर में रहते हैं वो फिर अपने गांव जाने में अक्षम होते हैं, यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और फिर यहाँ से वहाँ जाना ये उनके लिए खर्चेलू भी होता है, तो हमने यहाँ पर उनको उनका मायका उपलब्ध कराया है माताओं बहनों के लिए, और वे आकर कजरी गाती भी हैं, कजरी खेलती भी हैं, मेहंदी भी लगवाती हैं और साथ ही साथ स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया जाता है ऐसी विशिष्ट महिलाओं को जो किसी एक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करती हैं, और उनका सम्मान इसलिए किया जाता है कि वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बने, और ऐसी ही प्रेरणा पाने के लिए अनेक महिलाएं जो गांव की हैं, जो शहर में भी हैं लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, ऐसी महिलाएं लोक संस्कृति की समझ, लोक संस्कृति को समझ सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इससे संस्कारित कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के गायक सुरेश शुक्ला जी और राधा मौर्या, इन दोनों लोगों का एक लोक गायकी के क्षेत्र में विशेष योगदान है, इन लोगों का कार्यक्रम मुंबई शहर में 20 दिनों तक चलता रहा। अमरजीत जी, आप जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाने लगा और अटल जी गंगा भी करते हैं, कहीं ना कहीं मतलब जो पौराणिक चीज़ें हैं अटल जी की हुई या महापुरुषों की हुई, इस तरह के आप कार्यक्रम करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस अब उत्तर प्रदेश भी मनाया जाने लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जब उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता था तो हम मुंबई शहर में मनाते रहे, और हमारा एक ही प्रश्न रहा कि अगर उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा तो खास करके उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में सोचने के लिए एक दिन मुकर्रर होगा, और उस दिन उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश विदेश में गिरमिटिया मजदूर बनकर जो विदेशों में गए वो गिरमिटिया से गवर्नमेंट बन गए, मजूर बनकर जो गए वो मजूर से हजूर बन गए, ऐसे लोग जो क्रांति कर सकते हैं दूसरी जगह जाकर, मुंबई को अपने श्रम से सींच कर मुंबई को बड़ा कर सकते हैं, दिल्ली को बड़ा कर सकते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं बड़ा करते, तो वो अपनी कर्म भूमि में लौटें, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश का अधिकृत रूप से मनाया जाने लगा। मैं योगी जी की सरकार को खास करके धन्यवाद देता हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे आदरणीय राम नाईक जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे वहां शुरू कराने में कामयाबी पाई। कैलाश खेर जी ने जो कहा सर कि हाँ ये जो अभियान का जोत है
वो निरंतर चलते रहना चाहिए। क्या कैसे? देखिए मैं फिर से अगर मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कि कैलाश खेर जैसा विशाल वटवृक्ष से संगीत गीत संगीत का कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति हमारे जैसे अदरे कार्यक्रम में आते हैं और लोक संस्कारी लोक संस्कृति के कार्यक्रम में आकर वे वहाँ के जुटे हुए लोगों को अपने बातों से अनुग्रहित करते हैं, बोलते हैं, इससे मुझे लगता है कि उनका बड़ा मार्गदर्शन हुआ है। हम सबको भी प्रोत्साहन मिला है, अभियान पिछले 30 वर्षों से यही अभियान शुरू रखा है कि लोक चेतना का लोगों तक पहुंचाया जाए, लोक संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू कराया जाए। तो आज मैं कैलाश खेर ने यहां आकर हमको उपकृत किया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। महिलाएं अब भावुक भी हो गई आज ये समापन, पूरे महीने उन्होंने एंजॉय किया इस कजरी महोत्सव को, तो कुछ महिलाओं के यहाँ बात करते हुए आंसू भी निकल आए। मुझे लगता है कि लोक संस्कारों में लोक भाषा में इस दम है, इतना उस मिट्टी में इतनी कशिश है कि जब भी आदमी कोई भी बात बोलेगा तो वो हृदय से ही बोलेगा और हृदय से निकली हुई बात आंखों में आंसू लाती ही है। मुझे लगता है कि अभियान का ये जो अभियान है कई वर्षों से चल रहा है तो ये सफल भी हुआ कि लोगों के दिल तक पहुँचा है अभियान। मुझे ऐसा लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और उस अभियान को ऐसी ही छोटे छोटे अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है। जब महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में आती हैं और मुझे लगता है कि आपने जो युवा की बात की है, वो युवा आज जितने भी कजरी के आयोजक थे उसमें 90% 90% जो आयोजक थे सब युवा थे और वो युवा कजरी के दीवाने नहीं थे, कजरी की संस्कृति को समझने की कोशिश करने वाले एक आप कह सकते हैं विद्यार्थी थे। ऐसे विद्यार्थी अगर लोक संस्कृति को लोक चेतन लोक गीतों को समझने की कोशिश करने लगे हैं, मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। सर 2019 समापन हुआ, 2020 कितना चैलेंज हो या क्या कितना डिफरेंट होगा अभियान का ये कजरी महोत्सव 2020? मुझे ऐसा लगता है कि जब 1989 में अभियान की स्थापना की थी तब उस समय हम लोग स्कूल के छात्र थे, तब हमारे सामने कोई चुनौती नहीं थी, आज भी कोई चुनौती नहीं है। रंबा हो इलू इलू जैसे गीतों के दौर में अगर ऐसे गीत आते हैं कि अल्लाह के बंदे, तो ऐसे भी गीत आते हैं जब लोग ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार किया जाए और ईश्वर से एकाकार एक रूप हुआ जाए। सर एक सवाल है सर, बीजेपी की तरफ से कई सारे लोगों की मांग आ रही है कि जेएनयू का नाम नरेंद्र मोदी नेशनल यूनिवर्सिटी रखा जाए, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब देश में किसी एक यूनिवर्सिटी के नाम के मोहताज नहीं रह गए हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में जाकर आप देखेंगे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है और जो अमेरिका जो पूरी दुनिया का एक सिरमौर कहा जाता था उसके उसके राष्ट्राध्यक्ष घंटों इंतजार करते हैं जिस प्रधानमंत्री का, उस प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी, इसलिए किसी एक विश्वविद्यालय में उस उनको उनके नाम को कैद करना ये ठीक नहीं है। तो उनका तो पूरे देश में नाम हो रहा है, विदेशों में भारतीय मूल के लोग पहली बार इतना फख्र कर रहे हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर। अभियान संस्था द्वारा आयोजित कजरी का कार्यक्रम 2 अगस्त से निरंतर चल रहा था, जिसका 18 तारीख आज रंगशाला में समापन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में के लिए मुख्य अतिथि करके कैलाश खेर जी आ रहे हैं और आशीष जी आके गए इस कार्यक्रम में। इस मतलब कि इस भागदौड़ की जिंदगी में यहाँ लोग ये मतलब एकदम मशीन की तरह काम करते हैं तो भूल जाते हैं और उसमें ये कजरी का आयोजन अमरजीत मिश्रा जी करते हैं तो उससे लोग एक जुड़े रहते हैं।
शंभू जी अभी तुम्हारी बारी है, क्या कुछ कहोगे इस कजरी महोत्सव को लेके? काफी आप लोगों ने प्रयत्न किया, मेहनत किया और आज समापन में है, क्या कुछ कहोगे? आज जो कजरी का हमारा जो समापन है, लगातार 25 जगहों पे एक दिन गैप देखे, एक दिन कंटिन्यू चल रहा, एक महाराष्ट्र में मुंबई में एक लहर जैसी आ गई, कजरी 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 के साथ संस्थापक मुंबई के अमरजीत मिश्रा जी का एक जो अभियान है उसको हम लोग लेके सहभागी चल रहे हैं। आज हमारे कजरी का अंत का मतलब लास्ट दिन है, बस और कुछ नहीं कहूँगा, कभी उस जाए सब मजा लें, इन्जॉय करें, धन्यवाद। और महिलाओं की मांग भी उठ रही है कि इसको पूरे साल सेलिब्रेट किया। सावन कैसे देखते हैं और आप लोग कैसे बढ़ाएंगे उस चीज़ को? हम लोग अपने हर एरिया में, गली गई में, जहाँ जैसे जिससे प्रचार हो सका, जितना बोल सके उनको, वो हिसाब से हम लोग अपने बैनर पोस्टर के माध्यम में, मीडिया के जरिए, व्हाट्सअप फेसबुक के जरिए सबको इतला करते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आप सब आइए। अब तो बोलना भी नहीं पड़ता है, हमारी जनता खुद ही जागरूक हो गई है कि एक बगैर मैसेज मिल गया, नहीं यहाँ पे कजरी है तो आपको, आप अपने आप सब उस जगह पे, उस स्थान पे, सिर्फ एड्रेस पता उनको मिलना चाहिए कि इस जगह पे है और अभियान का है, तो सबसे पहले अभियान में आते हैं, ज़्यादातर अभियान ही मोस्टली करते हैं। कजरी महोत्सव ये सावन में मनाया जाता है, तो उनकी मांग भले रहती है लेकिन सावन में ना ये कजरी का कार्यक्रम सावन स्टार्ट हुआ कजरी का, कजरी का देखिए एक दो महीने पहले से इसकी तैयारी चालू होती है और ये सावन में कार्यक्रम होता है, वैसे भी 3-4 महीने तो चला ही जाता है इसमें, है ना, कार्यकर्ता एक दो महीने से लिप्त रहता है और फिर 15-20 दिन कार्यक्रम चलता है, निरंतर एकदम कंटिन्यू रहता है ना। अगले साल आने वाला 2020 में बहुत कुछ होने वाला है, गांधी जी का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा और कजरी महोत्सव 2011 साल पूरा करेगा, क्या होगा कुछ 2020 में? हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 2020 में इस साल में जो कमी रह गई है और 2020 में ये कमी को और अच्छा करके अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए लोगों के सामने। शंभू आप क्या कहना चाहोगे? और अच्छी तरह निखार लाएंगे, जितने से जो हम लोग की गलतियाँ हुई हैं छोटी मोटी उसको सुधारेंगे। कुर्सियाँ खाली थी और 2020 में नहीं खाली। हाँ नहीं, वैसे भी नहीं खाली रहेंगे, ऐसे भी नहीं खाली हैं, कुर्सियाँ तो कजरी के नाम पे भर जाती है, खाली रह गई थी उसी की बात करो, बाकी कुर्सियाँ तो भरी थी। नहीं नहीं, कुर्सियाँ खाली रह गए ने ऐसा नहीं था, ये हॉल की कैपेसिटी ज़्यादा है और कुर्सियाँ ऐसी खाली रह गई कि अभी हम लोग को हॉल मिला था 6 बजे और मिला 8 बजे, तो उसमें कुछ पब्लिक तो कंटाल के चली गई कि भाई इतना लेट है, उनको अपना घर का भी तो काम कर रहता है लोगों का। चलिए आज समापन होने आया है और पूरा अभियान जो है पूरे महीने चला मुंबई जैसे शहर में, दरअसल ये अलग अलग इलाकों में एक कजरी महोत्सव जब केवल कजरी का कार्यक्रम था उस समय से मैं जुड़ा हूँ। अमरजीत मिश्र बधाई के पात्र इसलिए हैं, उनकी टीम बधाई के पात्र इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से कोई चीज़ जो करीब करीब समाप्त होने जा रही है उसको उर्मिला श्रीवास्तव जी होंगी, बाकी गायक होंगे, उनके माध्यम से मुंबई शहर में केवल लाए नहीं, लाने के बाद में ये पहली बार ऐसा होगा कि मुंबई शहर से ये फिर उत्तर प्रदेश पहुँच रही है और कवि इस विधा को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा काम अमरजीत मिश्र कर रहे हैं। इस साल की जो कार्यक्रम 20 स्थानों पर हुआ है, अभी आशीष सिन्हा जी ने कहा कि ये कार्यक्रम अगले साल 25 स्थानों पर होना चाहिए। अमरजीत मिश्र उनकी टीम वास्तव में अभिनंदन के पात्र है कि इस विधा को जीवित रख रहे हैं, मुंबई शहर में पॉपुलर बना रहे हैं। मैंने पहले के कार्यक्रम देखे जिसमें महिलाएँ 2-4 आती थी, आज 50% महिलाएँ हॉल में उपस्थित हैं। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक जो भी यहाँ पर मुंबई में बसे हुए हैं उनके बीच में उनको बांधने का और केवल उतना ही नहीं तो अन्य प्रांतों के लोगों को साथ में जोड़ने का काम बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, अभिनंदनीय है। आपको लगता है देना जी कि जैसे अभी कैलाश जी ने कहा कि अभियान की ये जो ज्योति है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए, लगता है आप मानते हैं? अब देखिए अभियान का तो मतलब ये है कि जो चलता रहे, निरंतर चलता रहे, अभियान तो वो है जो कभी समाप्त नहीं होता है। और कैलाश जी जैसे लोग, और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये देख रहा हूं कि हर साल समाज से, फिल्मों से, संस्कृति से जुड़े हुए
राजनीति से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर एक ताकत दे रहे हैं, एक बल मिल रहा है, और ये केवल उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं तो पूरे देश को एक साथ में जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास ये अमरजीत मिश्र कर रहे हैं, और ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और शुभकामना है कि जो कैलाश जी ने कहा है, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आप एक बड़ा कॉन्सर्ट करिए और उस कॉन्सर्ट में आने के लिए तैयार। थैंक यू। और उसमें हमारी व्यक्ति को सम्मान किया गया है, आपको भी सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कजरी महोत्सव को लेकर, खास करके आपको सम्मानित किया गया है उसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ अभियान एनजीओ का और अमरजीत मिश्र जी का, कि सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे स्टेज पे गाने का मौका मिलेगा और उसमें मेरा सिलेक्शन होगा और फिर इतने बड़े हॉल में इतने बड़े बड़े धुरंधर कलाकार लोग के सामने गाने का मौका मिलेगा और यहाँ तक आने का, और ये पुरस्कार तो मतलब क्या बोलते हैं ना आखिरी इच्छा एक पूरा होना, तो वो वाली बात है हमारे लिए। और मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है अमरजीत मिश्रा जी के लिए, कि हम घरेलू महिलाओं को वैसे भी कहीं वैल्यू नहीं मिलती है कुछ भी नहीं मिलती है, और एक अलग सा ये उनका रहता है कि कहीं मन में एक कसक रहती है कि शायद हम अपने लिए कुछ कर पाएँ, तो उनको मौका नहीं मिलता और हो सकता है अपने घर की जिम्मेदारी व्यस्तता में वो कुछ कर नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो घर होता है, बच्चा होता है, पति होता है, सबका ख्याल रखना होता है, उसमें से सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी जब अभियान एनजीओ ने ऐसा कुछ ऐसा ये मतलब स्टार्ट किए घरेलू महिलाओं को गाने का मौका देने के लिए, तो कहीं हमको एक उम्मीद ये लगी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम भी अपना जो एक सपना है या अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, और ये अभियान एनजीओ अमरजीत मिश्रा जी ने हमारा सपना पूरा कर दिया, और इसका तो मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ वो कम है मेरे लिए। मैं तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ अभियान एनजीओ का, अमरजीत मिश्र जी का।